तो हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर की। एक नया सर्किट लेंगे, ओके डीसी मोटर। एक हम 9 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव से मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट करा, नेगेटिव से मैंने नेगेटिव को कनेक्ट करा। अभी देखना ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है, आरपीएम हमारे पास किस तरह से आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, 17,568 का आरपीएम आ रहा है इस पर्टिकुलर मोटर में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल्स को रिवर्स कर लेता हूँ। पॉजिटिव से मैंने नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव से मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया। स्टार्ट सिमुलेशन। अब देखो ये रिवर्स में घूमना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, आरपीएम उल्टी साइड को आ रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अब ये मूव कर रही है। तो यही है बेसिक फंडा कि हम एक मोटर को कंट्रोल किस तरह से करेंगे। तो डीसी मोटर में हमारे पास 3 चीजें आएंगी। एलईडी की तरह ऑन ऑफ नहीं आएगा। डीसी मोटर में हमारे पास क्या क्या चीजें आएगी कि या तो हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, या तो मोटर को स्टॉप करेंगे। ठीक है, 3 चीजें हमारे पास हैं। अब चलते हैं रोबो डॉट इन, एक वेबसाइट और ओपन कर लेते हैं। स्पार्क पीसीबी सर्च करेंगे, डीसी मोटर। ठीक है, अब आपको डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स यहाँ पर दिखना स्टार्ट होंगे। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं कि कितने टाइप के हमें मोटर्स दिख रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डीसी मोटर 45 RPM 12 वोल्ट। ओके, अब आपको पता है कि इसका आरपीएम कितना है, 45 रोटेशन पर मिनट और 12 वोल्ट की है। ठीक है, और ये हमारे पास डीसी मोटर है 100 RPM की, ये 500 RPM की, ये 100 RPM की। ठीक है, और ये 12 वोल्ट की मोटर है, मैक्सिमम 300 RPM। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मोटर डिफरेंट मोटर्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो असल में क्या होता है कि आप ना अगर मोटर्स को चेक करोगे, मैं अगर मानो इस मोटर को चेक करता हूँ जिसका आरपीएम 10 है, अगर आरपीएम कम है तो मतलब उसका टॉर्क ज्यादा होगा। यही बात हुई ना, मैंने आपको यही बताया था। सो हम यहां से देख लेते हैं, ये देखो ये जो इसका जो टॉर्क है कितना है, 23 kg सेंटीमीटर एट नो लोड। उसका मतलब क्या होता है, टॉर्क हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि ये जो मोटर है 23 kg के लोड को शिफ्ट कर सकती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, असल में जो टॉर्क की जो कैलकुलेशन होती है, अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क का फॉर्मूला किसी को पता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अगर आप में सर मास इनटू एक्सेलरेशन वो फोर्स का रहता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, बट वो भी रिलेटिव ही है हमारे पास। आप कुछ कुछ सही बता रहे हो चीजों को। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि जब हम इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि हमने जो पहले चीजें पढ़ी हैं वो हमें नहीं यूज करनी होती है। कभी भी कोई भी चीज यूज हो सकती है। तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, आपको एक एग्जाम्पल आता था। एग्जाम्पल क्या, आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो। मानो आपके घर का ये डोर है, ठीक है, तो डोर में यहां पर हैंडल लगा होता है। मानो ये जो फिक्स है, यहां से फिक्स है बिल्कुल डोर, यहां पर हमारे पास हैंडल लगा होता है इस डोर को ओपन करने के लिए। अगर मैं इस डोर को ओपन करना चाहूं तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से ओपन करता हूँ, यहां से खींचता हूँ, तो मेरे पास कोई भी, मेरे को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, ज्यादा हैवी लोड नहीं लगाना पड़ता कि मैं इस दरवाजे को कैसे ओपन करूं। आप लोग आज जाके ट्राई करना कि अगर मैं दरवाजे को यहां से ओपन करने का ट्राई करूं, आप खींच तो नहीं पाओगे बट यहां से धक्का देने का ट्राई करना। ठीक है,
यहां से धक्का देके ट्राई करना और यहां से धक्का देके ट्राई करना, आप देखोगे आपको यहां पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम टॉर्क की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे दो पॉइंट्स बताए हुए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अगर आप बी पॉइंट से इस चीज को शिफ्ट करोगे तो आप इस नट बोल्ट को इजीली ओपन कर पाओगे। यहां पर से कोशिश करोगे ट्राई करने की तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम में ये फोर्स लगती है, मतलब ये एंगुलर में होता है। हम अदरवाइज हम फोर्स किस तरह से लगाते हैं, हमें तो सिंपल बताया जाता है कि ऐसा करना है आपने, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है मास इंटू एक्सिलरेशन। ठीक है, जो अभी हमें किसी स्टूडेंट ने फॉर्मूला बताया था, मास इंटू एक्सिलरेशन, जो टोटल मास इस बॉडी का रहेगा, और एक्सिलरेशन क्या जाता है, एक्सिलरेशन हमारे पास जाता है वेलोसिटी ओवर टाइम, दैट्स मीन कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और कितना इसने टाइम लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजें कर सकते हैं। असल में हम कि इस चीज को कितना डिस्प्लेस करेंगे, अगर हम टॉर्क की मोटर की बात करें तो मोटर इस शाफ्ट में कितना लोड ले पाएगी। आपने देखा होगा जो खिलौने रहते हैं उनके अंदर अगर डीसी मोटर लगी होती है तो वो जो डीसी मोटर की जो सप्लाई होती है वो इस तरह से दोनों टायर्स को दी होती है। ठीक है, एक सिंगल मोटर से, यही होता है बेसिक फंडा। तो हम क्या करेंगे, जब हम डीसी मोटर को यूज करेंगे, हम दो डिफरेंट डीसी मोटर्स यूज करेंगे, उसकी शाफ्ट के साथ दो टायर्स लगा देंगे। ठीक है, और इस चीज को एक चेसी के ऊपर रख देंगे, तो हम एक छोटा रोबोट बना सकते हैं, मूविंग रोबोट। सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डीसी मोटर्स आ गए, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास टॉर्क, आरपीएम, वोल्टेज, और एक चीज आपको और पता करनी होती है कि इस मोटर के पर्टिकुलर की मोटर की हमारे पास करंट कंजप्शन कितनी है। अगर हम करंट की बात करें, अगर इन्होंने यहाँ पर बताया होगा, वोल्टेज बताया हुआ है और करंट भी बताया हुआ है, रेटेड करंट कितना है इसका, 0.9 एम्पियर। देखो जैसे हमारे पास अगर आरपीएम या टॉर्क में हम देखें तो टॉर्क में मैक्सिमम चीजें वो क्या करेगी, थोड़ा सा करंट आपका ज्यादा खाएगी बैटरी से। और अगर हम बाकी मोटर्स की बात करें, ये तो होगी हमारे पास सिंपल मोटर की बात। ये देखो ई बाइक की मोटर भी इसी तरह से है, ये ई बाइक जो हम ई रिक्शा वाली बाइक रहती है, या आप इसको व्हील चेयर में भी यूज कर सकते हो अगर आप व्हील चेयर का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर तो डीसी मोटर है, बट ये जो आपको चीज एक्स्ट्रा चीज दिख रही है ये क्या है, गियर बॉक्स है। असल में हम गियर बॉक्स यूज किस चीज के लिए करते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट में अगर फिक्स गियर बॉक्स है, फिक्स गियर बॉक्स क्या करेंगे हम, अगर हमें कोई पर्टिकुलर टॉर्क अचीव करना है तब हम इस तरह की मोटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में अगर जाएंगे तो आप देख सकते हो ये इसकी वोल्टेज आ गई, करंट ये कितना करंट खा रही है, 30.4 एम्पियर। ओके, एंड अभी तो क्या है कि अभी हमारे पास जो ये मोटर्स हैं ये दो टाइप से आ जाती हैं, एक तो हमारे पास ब्रश वाली मोटर्स होती है, क्या होती है, ब्रशलेस डीसी मोटर। जो ब्रशलेस डीसी जो मोटर्स होती है हमारे पास, उसको हम कह सकते हैं BLDC, ब्रशलेस डीसी मोटर्स। ये असल में जो ड्रोन्स वगैरह जो यूज होते हैं, ड्रोन्स में हम ब्रशलेस डीसी मोटर यूज करते हैं, उसमें इस तरह की मोटर यूज होती है। अब इसमें अगर आप देखोगे जाके तो इसका जो आरपीएम होगा बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टॉर्क। ये देखो आरपीएम कितना है इसका, 1000 आरपीएम है, और अगर टॉर्क की इसमें बात बताई गई हो कहीं पे, हम वो भी देख लेते हैं, बट इसका टॉर्क बहुत कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजों में आपको एक चीज तो आपको कम करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि विन विन सिचुएशन में आप टॉर्क भी अच्छा सा रख लो और आरपीएम भी अच्छा सा रख लो, तो आप मतलब हैवी लोड भी हैंडल कर पाओगे, थोड़ी सी स्पीड भी अटेन कर पाओगे। और अगर इसमें से एक चीज आपको मैं और बताना चाह रहा था, वो था हमारे पास, अब इस मोटर को अगर आप देखोगे, ठीक है, ये सिंपल डीसी मोटर है जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये काफी सस्ती रहती है, 158 रुपीज की मोटर है। अब इसमें आपको ये जो यहां पर एक प्लास्टिक का जो असेंबली दिख रही है, असल में इसमें क्या है, इसमें गियर्स लगे हुए हैं, तो
तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक मोटर मैन्युफैक्चर कर देगी, जैसे जैसे लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग गियर्स को चेंज करके वो क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स आपको अवेलेबल करवा देगी। अब यहाँ पे देखो, द सप्लाई रेंज विद सच सेंटर शाफ्ट डीसी मोटर, यू कैन चूज द अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेकिंग बाय आरपीएम बिलो। तो ये कह रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको कितने आरपीएम की मोटर चाहिए और कितने उसमें आपको टॉर्क चाहिए। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं आरपीएम 3 यूज करता हूँ तो मेरे पास टॉर्क कितना मिलेगा, मुझे 16 kg सेंटीमीटर का। 10 rpm पे जाता हूँ तो मुझे टॉर्क कितना मिलेगा, 7 kg का। 30 rpm में जा रहा हूँ तो 5 kg का। इसी तरह से अगर मैं आरपीएम इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास टॉर्क डिक्रीज हो रहा है। लास्ट में अगर आप देखोगे 1000 rpm में आपको सिर्फ 0.5 kg सेंटीमीटर का टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है कि हम डिफरेंट टाइप की मोटर चूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। एंड कई बार प्रोजेक्ट्स में आपको इस तरह की मोटर्स भी देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे छोटी डीसी मोटर लगी होती है और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के गियर्स लगे होते हैं और प्लास्टिक के गियर्स का यहाँ पर हम इस तरह का व्हील अटैच कर सकते हैं। और जो फाइनल जो रोबोट बनता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में, इस तरह के व्हील्स होंगे। अगर मैं आपको उसका साइड व्यू दिखाऊं तो ये देखो, ये मोटर लगी हुई है और ये यहाँ पे व्हील लगा हुआ है। ठीक है, ये मोटर है, इसके साथ व्हील अटैच करा हुआ है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स रहते हैं कॉलेजेस वगैरह में। मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी बहुत सारे इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा हुआ है। अगर आपके कॉलेज में भी इस तरह के कोई टेक फेस्ट होते हैं तो आप, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, इस तरह के रोबोट्स बनाओ। क्योंकि देखो ऐसा था कि जब आप ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड ये हमारे पास मोटर्स की बात हो गई। अब मुझे ये बताओ कि क्या आपके मोबाइल में कोई मोटर होती है, आपका जो मोबाइल है। ठीक यस है, बिल्कुल सही आंसर है कि मोबाइल में भी हमारे पास मोटर होती है। हमारे पास मोटर कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास वाइब्रेशन मोटर। अगर मैं मोबाइल वाइब्रेशन मोटर की बात करूं, ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास मोटर्स अवेलेबल रहती हैं वाइब्रेशन में। जितने भी आपको डिवाइस है, अगर आप लोग गेमिंग करते हो, और देखो पर्सनली मैं तो बहुत गेम्स खेलता हूँ, जॉयस्टिक के साथ अगर आप गेम खेलते हो तो आप कई बार फील करोगे कि जैसे कई बार आपको हिट करता है कोई एनिमी, तो उसमें कहता है कि हमारा जो जॉयस्टिक होता है वो वाइब्रेट करता है। तो उसके अंदर क्या होता है, इस तरह की वाइब्रेशन मोटर्स रहती हैं। और इस तरह की वाइब्रेशन मोटर रहती है, इसमें क्या होता है कि एक साइड थोड़ा सा लोड रखा होता है, जब ये मोटर मूव करती है तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और अगर मैं इसका आपको साइज बताऊं तो ठीक है, इतनी सी वाइब्रेशन मोटर होती है। मानो ये आपके हाथ की उंगली है, तो मतलब ये मान लो कि 1 cm से छोटा भी इनका साइज रहता है। ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है, वाइब्रेशन मोटर। क्या आप लोगों के एंड पे भी नॉइस आ रही है, क्योंकि माइक तो किसी को ऑन नहीं है बट नॉइस आ रही है उनसे। अब ठीक हो गई। ठीक है, तो वाइब्रेशन मोटर्स हमारे पास मोबाइल में भी यूज होती हैं। एंड ईयरफोन्स में भी ईयरफोन्स तो में भी होती तो है होती सर, है सर। ऐसे ऐसे मैंने देखी। नहीं, ईयरफोन्स में हमारे पास जो चीज रहती है वो वाइब्रेशन मोटर नहीं, वो नो स्पीकर सर, रहता नहीं आ रही। है। वो स्पीकर रहता है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसका साइज देख के लगा होगा कि ये ईयरफोन्स में भी रहता है। ईयरफोन्स में हमारे पास क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि जो ईयरफोन्स जो काम करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले आपको माइक का पता होना चाहिए। माइक और जो ईयरफोन्स है ना, वो आपस में रिवर्स है। माइक में क्या होता है, जहां पे आपका माइक लगा होता है वहां पर एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम मीन्स वो एक मूविंग पार्ट रहता है, उसके साथ में उन्होंने क्या करा होता है, कॉइल लगाई होती है अंदर। बहुत
माइक्रो लेवल पे एक कॉइल लगी होती है और इसके साथ में यहाँ पर क्या होता है, एक मैग्नेट लगा होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर कॉइल को मैं मूव करूंगा और मैग्नेट यहाँ पर है तो यहाँ पर करंट बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। मोटर का भी प्रिंसिपल तो यही है, कॉइल लगी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, ठीक है। तो माइक में क्या होता है, जब ये कोई हम जैसे मानो यहाँ से मैं हेलो कहा मैंने, तो हेलो मैं इसी तरह से कहूँगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है। वो माइक क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएगा इस तरह से, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे मोबाइल में जाएगा, मोबाइल से उसको क्या करेगा, वो एम्पलीफाई करेगा और बाद में कहीं भेज देगा। दूसरे एंड पे जहां पर स्पीकर लगा होगा वहां पर यही सिग्नल इस तरह से आएगा। अब उसमें क्या होगा, उस टाइम क्या होता है कि ये कॉइल में वो करंट सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने के बाद ये चीज वाइब्रेट करती है। यहां पर हमारी आवाज से ये चीज वाइब्रेशन एक्सेप्ट कर रही थी, इनपुट ले रही थी, और यहां पर वो वाइब्रेशन को आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट करता है तो वो क्या करता है, हवा में जो हमारे पास वेव्स रहती है, पार्टिकल्स रहते हैं, उसको वाइब्रेट करता है और हमें वहां पर हेलो सुन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल रहता है, तो उसमें कोई भी मोटर यूज नहीं होती, असल में उसमें ये प्रिंसिपल यूज होता है कि किस तरह से चीज काम करेगी। और रही डीसी मोटर की बात, तो डीसी मोटर में हमारे पास क्या रहता है कि अगर आपके पास इस तरह की असेंबली है और यहाँ पे आपके पास जो रोटर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे सप्लाई दोगे तो ये रोटर क्या करेगा, यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा। अगर हम डीसी मोटर की वर्किंग चेक करें, देखो कभी भी आपको कोई चीज़ें डाउट आती हैं तो आप इंटरनेट पे जाओ, इंटरनेट आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प करेगा। डीसी मोटर वर्किंग, ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं। एंड ये यूट्यूब की वीडियो है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ हमारे पास इसमें क्या रहता है, दो मैग्नेट्स यूज करेंगे हम इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास रोटेशन वाला पार्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ गया नॉर्थ पोल आ गया और यहाँ पर साउथ पोल आ गया, किस चीज का, मैग्नेट्स का। हम इसमें परमानेंट मैग्नेट्स यूज करते हैं। अब जैसे ही बैटरी कनेक्ट करोगे, इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगा, ये क्या करेगा, इसके अंदर जो कॉइल के अंदर जो इसमें फील्ड्स बनेंगी, वो फील्ड्स क्या करेंगी, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाती हैं तो उसको रोटेशन के लिए अपोज करती हैं, तो वो क्या करेगा, उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बेसिक फिजिक्स का रूल इसमें फॉलो होते हैं, वो इतना डीप हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, बट ये इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। ये कौन सी मोटर है, ये ब्रश ब्रशेज वाली मोटर है, ये बीएलडीसी मोटर नहीं है। बीएलडीसी मोटर में क्या होता है, इस तरह के कार्बन ब्रशेज यूज नहीं होते। यस सर, 10th में क्वेश्चन नजर आई है। हाँ जी, हाँ जी। एंड इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कितने डिफरेंट टाइप की मोटर्स हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि अब हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, अब बात करते हैं कि हम इसको आर्डिनो के साथ किस तरह से इंटरफेस करेंगे। सो सबसे पहले हम लेंगे एक आर्डिनो, ठीक है। आर्डिनो के बाद मेरे पास, देखो आर्डिनो में मेरे पास, मेरे को पता है कि मैं 5 वोल्ट जनरेट कर सकता हूँ और 0 वोल्ट जनरेट कर सकता हूँ, बट मेरे पास जो मोटर है वो क्या है, वो है 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 24 वोल्ट, इस तरह की मोटर्स मेरे पास अवेलेबल है। एंड अगर उनके मैं करंट की बात भी करूं, तो अगर मैं सिंपल डीसी मोटर की बात करता हूं, तो वो 200 से 300 मिली एम्पियर तक का करंट कंजप्शन करती है। उस टाइम हम यहाँ से नोट करना भूल चुके थे, ये बीएलडीसी मोटर्स हैं जो ड्रोन्स में यूज होती हैं। एंड ये वाली मोटर तो आपने बहुत ज्यादा, सर बहुत ज्यादा ड्रोन में तो बकरी मोटर नहीं यूज होती है। नहीं, ड्रोन में छोटी सी मोटर यूज होती है और वो यही मोटर है, ये बीएलडीसी मोटर। आप कह रहे हो कि पेंसिल सेल, वो भी एक मोटर रहती है। अगर आप ड्रोन में, इनके पास ना ड्रोन की असेंबली भी थी, ड्रोन में पतली मोटर नहीं यूज होती है। हाँ ये वाले मोटर कह रहे हो आप, कॉर्डलेस, ठीक है, प्रोपेलर यस ड्रोन, सर।
देखो जो बहुत छोटे ड्रोन है उनमें ये मोटर आप यूज करोगे, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा हैवी ड्रोन बना रहे हो तो आप ये वाली मोटर भी यूज कर सकते हो, क्वाडकॉप्टर्स के लिए यूज होती है। देखो इसमें लिखा हुआ है ब्रशलेस डीसी मोटर 1000 kV फॉर क्वाडकॉप्टर्स। एंड हम आ जाते हैं, बट इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ये सिंपल डीसी मोटर की तरह यूज नहीं होती। ठीक है अभी हम सिंपल डीसी मोटर के ऊपर ही चलते हैं। हम यहाँ से ये वाली मोटर यूज कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास ये बता रहा है कि लोड करंट कितना है इसका। लोड करंट मतलब जब इसके ऊपर हम कोई चीज अटैच कर देंगे, व्हील अटैच कर देंगे, या जब एप्लीकेशन इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो 300 mA की इसकी करंट रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके सो मोटर में मेरे पास वोल्टेज रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, और अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास है 300 mA तक। अब मैं अगर आर्डिनो की बात करूं तो आर्डिनो की कोई भी आउटपुट पिन, डिजिटल पिन 5 वोल्ट प्रोवाइड कर सकती है, 0 वोल्ट प्रोवाइड कर सकती है। अगर करंट की बात करें तो वो सिर्फ 20 mA या 30 mA तक करंट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है अगर आप चाहते हो कि मैंने ये चीज कहाँ से पता करी, तो आपको आर्डिनो की डाटा शीट पढ़नी पड़ेगी। मैं अभी डायरेक्ट गूगल पे लिख देता हूँ, आर्डिनो डिजिटल पिन आउटपुट करंट। ठीक है ये हमारे पास कह रहा है कि अगर आप डीसी करंट ऑन इनपुट आउटपुट पिन, हमारे पास कितना आता है 40 mA, 40 mA उसमें से मैक्सिमम करंट है जो आ सकता है, तो हम सेफर साइड लेके कितना चलते हैं, 20 to 30 mA लेके चलते हैं। ठीक है 40 mA भी ले सकते हैं, बट आप जितना मर्जी कर लो 300 mA तक का करंट हम मोटर में नहीं दे पाएंगे। ठीक है अब अगर हम 300 mA का करंट नहीं दे पाएंगे तो इसकी बात है कि हम डायरेक्ट आर्डिनो के साथ मोटर को अटैच नहीं कर सकते। ओके सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कोई ना कोई बीच में एक ड्राइविंग सर्किट यूज करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, इससे पहले हमने एक रिले यूज करी थी, आज हम क्या करते हैं कि रिले के थ्रू इस चीज को बना के ट्राई करते हैं। बट रिले के थ्रू मैं मोटर को तो ड्राइव कर दूंगा, किस तरह से ये हम आर्डिनो मान लेते हैं, डिजिटल पिन नंबर कोई ले लेते हैं, 6 पिन ले लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, उस पिन को रिले के साथ कनेक्ट करेंगे और रिले को कर देंगे ग्राउंड। रिले हम कौन सी लेंगे, 5 वोल्ट रिले। देन हमारे पास 3 टर्मिनल आएंगे इसमें, कॉमन, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, और ये हमारा रिले का बॉक्स बन गया। ठीक है ये हम एक डीसी मोटर कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे पास सप्लाई है। अब आर्डिनो को तो चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, तो मैं आर्डिनो को तो 5 वोल्ट मैं लैपटॉप से दे रहा हूँ अभी के लिए। अगर लैपटॉप से नहीं दूंगा तो फिर भी मुझे 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होगी। बट मेरी जो मोटर है, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास अभी मोटर जो क्या है 9 वोल्ट की मोटर है। ठीक है तो मुझे एक 9 वोल्ट की बैटरी भी चाहिए होगी, तो मैंने क्या करा, मोटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, कॉमन टर्मिनल हमने पॉजिटिव 9 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। ओके एंड देन यहाँ से जो नॉर्मली ओपन था उसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव यहाँ से चलना स्टार्ट होगा जब हमारी रिले ऑन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट रिले इस तरह से रहती है जब तक यहाँ से कोई सिग्नल नहीं आ रहा। ठीक है जैसे कोई सिग्नल आएगा यहाँ से क्या होगा, ये मोटर यहाँ पे अटैच हो जाएगी और यहाँ से हमारी मोटर रन करना स्टार्ट कर जाएगी। और मोटर कितनी वोल्टेज पे रन कर रही है, 9 वोल्ट पे रन कर रही है। तो अभी हमने क्या करा, रिले के थ्रू एक ड्राइविंग सर्किट बनाया कि हम किस तरह से मोटर यूज कर सकते हैं। ओके किसी को कोई डाउट, फिर मैं सर्किट को इंप्लीमेंट करता हूं। सो हम चलते हैं अपने टिंकर कैड पे, बाकी चीजों को कर देंगे क्लोज। टिंकर कैड में हमने मोटर प्लेस करी हुई है, कनेक्शंस को यहाँ से हटा देंगे। देन हम यहाँ पर यूज करेंगे रिले। ओके ये मैं रिले यूज कर लेता हूँ, एक चाहिए होगा आर्डिनो।
यहाँ से देखते हैं मेरे पास कॉइल कौन सी है, कॉइल मेरे पास कौन सी पिन है, ये दो पिन है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कॉइल की एक साइड को ग्राउंड कर दूंगा, दूसरी साइड को पिन नंबर 6 के साथ अटैच कर दूंगा। कर दिया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन टर्मिनल को मैंने अटैच करा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव के साथ। कॉमन टर्मिनल को अटैच करा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव के साथ इसको हमने अटैच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये नॉर्मली क्लोज है, यहाँ से सिंबल से पता लग रहा है, और ये क्या है, नॉर्मली ओपन। तो नॉर्मली ओपन को मेरे को कनेक्ट करना है मोटर के पॉजिटिव के साथ, और बाकी को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, तो आप देखोगे मोटर अभी नहीं चल रही, क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी रिले ऑन नहीं है। कोडिंग में जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट में सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कोड लिख देंगे। सबसे पहले तो पिन नंबर 6 को बना देंगे आउटपुट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पिन नंबर 6 को थोड़ी देर के लिए हाई करा, और फिर पिन नंबर 6 से हमने लो कर दिया। अब आप देखोगे 1 सेकंड के लिए हमारे पास मोटर चलेगी और 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगी, ठीक है। जैसे हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही थी, वही फंक्शन है। रिले को देखोगे तो रिले भी इसी तरह से काम कर रही है, 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है, ठीक है। इतना सिंपल है, कोई डाउट? ओके, तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। और आप लोगों के लिए टास्क क्या है कि आप लोग एक करोगे आर्डिनो यूज, ठीक है, यूज करना है अगर तो कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास मैं दे देता हूं रिलेज। आप रिले चाहे जितनी मर्जी यूज कर लो, एक यूज कर लो, दो यूज कर लो, तीन यूज कर लो, चार यूज कर लो, पांच यूज कर लो, आपकी मर्जी है। और एक आपके पास है डीसी मोटर, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ऐसा सर्किट बनाना है कि आप मोटर की डायरेक्शन भी चेंज कर पाओ। सर ये लैपटॉप में ही हूँ, नहीं, चलो ठीक है, लैपटॉप में भी छोड़ दो। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ गया, लैपटॉप में करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्किट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। अब मानो मेरे पास, बात एक्चुअली है, लैपटॉप नहीं है ना। हाँ जी, कोई बात नहीं, आपकी बात समझ गया, मैं बिना लैपटॉप वाला काम दे रहा हूँ अभी, ठीक है। मानो मैं आर्डिनो को हटा देता हूँ, ये कनेक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, इस वाली चीज को भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगाया स्विच, स्विच कर दिया कनेक्ट, ग्राउंड को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो मुझे बताओ, जब मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो मोटर चल जाएगी ना, ये चीज तो सिंपल है, ये चीज तो समझ आ रही होगी, सर ठीक है। आपने क्या करना है, इसी तरह से अपनी कॉपी पे सर्किट डायग्राम बनानी है। आप चाहे एक रिले यूज करो, दो यूज करो, तीन यूज करो, चाहे इंटरनेट की हेल्प लो, कहीं से भी। मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा सर्किट बनाना है कि मैं इस मोटर को डायरेक्शन भी चेंज कर पाऊं, ठीक है। अभी तो मैं इसको एक ही साइड में रोटेट कर पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा सर्किट कि मैं इस मोटर की डायरेक्शन भी चेंज कर पाऊं। ओके, वो ऊपर किस कंडीशन में होगा, जब मोटर रन आप जैसे स्विच को प्रेस करोगे मोटर रन करेगी। मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आर्डिनो को हटा देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर अब हमें चाहिए होगा, एक पुश बटन एंड अभी देखो मेरे पास बैटरी जो है ना वो 9 वोल्ट की बैटरी है, बट मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से 9 वोल्ट की बैटरी मैं अलग यूज कर रहा हूँ, जो मैंने आपको 5 वोल्ट की बताई थी, ठीक है। इसको 5 वोल्ट की मान लेना, अदरवाइज मुझे यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना पड़ जाएगा। मैंने पॉजिटिव से यहाँ पे कनेक्ट करा और यहाँ से मैं ले गया कनेक्शन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैं कॉइल से कनेक्शन ले आया ग्राउंड में,
है, सिमुलेशन स्टार्ट करूंगा, जैसे मैं स्विच को प्रेस करूंगा मोटर मेरी चल रही है, छोड़ दिया तो रुक गई। मैं चाहता हूं कि मैं स्विच को प्रेस करूं तो मोटर क्लॉकवाइज चले, अगर स्विच को छोड़ दूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज चले। आपको कुछ इस तरह का सर्किट तैयार करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होना चाहिए, रिले की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि रिले किस तरह से काम करती है, अगर मैं दो रिले यूज करूँ, तीन यूज करूँ, किस तरह से हम ये चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है। मोबाइल फोन में कौन सी साइट पे यूज करना है? ओके नहीं, मोबाइल फोन पे आपको यूज नहीं करना, आप कॉपी पे ही सर्किट ड्रॉ करना है। जैसे इस तरह से मोबाइल पे क्या होगा, सर्किट बनाने में प्रॉब्लम आएगी। आप कॉपी पे ट्राई करो कि रिले किस तरह से काम करती है, लेक्चर फिर से देख लेना। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सर, ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।